गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेरी वेल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इस समय दुनिया का सबसे पॉपुलर टॉपिक है। आपको बता दें कि जिस तरीके से समय चेंज हो रहा है, अगर उस समय के अनुसार हम अपने आप को अगर चेंज नहीं करेंगे तो बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो इस समय पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही तेज़ी साथ ग्रोथ हो रहा है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़े बड़े लोग और यहाँ तक कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी देश के कंट्रीज हैं, सब इसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर इस पर किस तरीके से वर्क किया जाए, इसको किस तरीके से यूज में अधिक से अधिक लिया जाए। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और ये टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का। आपको मालूम नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अगर आप पहली बार अगर सुन रहे हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार पूरा अगर आप समझ गए तो आप जिंदगी भर अच्छे से जो है याद रखेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति, संस्थान तथा देश को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आपसी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक करेंसी की जरूरत पड़ती है, ताकि उसका उपयोग वह सुचारू रूप से कर सके। इसलिए प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और जापान में येन। दरअसल यह भौतिक करेंसी होती है, बहुत ही फिजिकल करेंसी होती है, जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं और नियम के अनुसार किसी भी संस्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रुपया आपका है तो आप रुपया को जो है इंडिया में यूज़ कर सकते हैं, डॉलर अगर आपका है तो आप डॉलर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे जापानी येन अगर है तो मैक्सिमम आप जापानी में ही यूज करेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इससे अलग होती है, जो एक डिजिटल करेंसी होती है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल होती है जो आपके सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में हो सकती है। ये केवल एक कोड में हो सकती है। इसे आप न तो देख सकते हैं और न ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि भौतिक रूप में क्रिप्टो करेंसी का मुद्रण नहीं किया जाता, मतलब कि फिजिकली इसका जो है कोई भी प्रिंटिंग नहीं किया जाता है, इसको कोई भी सरकारी छापती नहीं है। इसकी बस केवल माइनिंग, मोबाइल माइनिंग की जाती है और माइनिंग किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती है। इसलिए इसे आभासी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। यह पिछले कुछ सालों में ऐसी करेंसी काफ़ी बहुत ही अधिक प्रचलित हो गई है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर के एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक जो है स्वतंत्र मुद्रा होती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर इंडियन रुपये आपका है तो इंडियन रुपीज़ पे इंडियन गवर्नमेंट का हक होता है, अमेरिकन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर पे अमेरिकन गवर्नमेंट का रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है, वो किसी के बस में नहीं होती है, इसमें किसी को नहीं मालूम रहता है कि ये कितने किसके पास कौन सी है। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती है। अमूमन रुपया, डॉलर, यूरो या अन्य मुद्राओं की तरह इस मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश, संस्था या सरकार द्वारा नहीं किया जाता। यह करेंसी वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं आप इसे, लेकिन इसके बीच किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने अगर रुपया भेजा किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास, भेजा आपने सेकंड पर्सन के पास, तो होगा क्या, आपको उस आदमी के पास पैसे भेजने के लिए बैंक आपसे कुछ फीस के रूप में चार्ज लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अगर आप यूज़ करेंगे, आप क्रिप्टो करेंसी तो किसी को भेज रहे हैं, तो आपका फीस कुछ भी नहीं लगने वाला। आप जितना रकम भेजेंगे आपको उतना ही बस केवल पेमेंट जाएगा। इसीलिए ये क्रिप्टो करेंसी काफ़ी अधिक प्रचलित हुई है। मैक्सिमम लोग अब डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है। आज बहुत सारी करेंसी हैं यहाँ पे, उनका उपयोग आप कुछ भी चीज़ खरीद कर सकते हैं। घर हो गया, बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, यहाँ तक कि पिज्जा खाने के लिए भी लोग जो है बहुत सी डिजिटल करेंसी का उपयोग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी, जो बिटकॉइन थी। इसको जापान के सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। प्रारंभ में यह उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे इसका रेट आसमान छूने लगे, जिससे यह सफल हो गई। देखा जाए तो 2009 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी बाजार में मौजूद हैं, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में कार्य करती हैं। आपको बता दें कि बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर हुई थी
और जितनी समय बिटकॉइन जो है पॉपुलर हुई थी 2009 में, वो केवल 6 रुपए की थी। लेकिन आज अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करिएगा बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया, तो आपको नियर अबाउट ये दिखाएगा 26 से 27 लाख रुपए दिखाएगा, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की कीमत कम से 27 से 28 लाख रुपए हो चुकी है। बिटकॉइन के अतिरिक्त बहुत सारी करेंसी हैं। मैंने आपको एक लिंक दिया है coinmarketcap.com, आप इस पर जाके देख सकते हैं कितनी सारी करेंसियाँ हैं। वैसे ही इथेरियम हो गया आपका, लिटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, पोलका डॉट हो गया, यूनिसेप हो गए, कार्डेनो हो गया, चेन लिंक हो गया, डाज कॉइन हो गया, स्टेलर हो गया, पाई कॉइन हो गया, टाइम स्टाम्प हो गया। ये बहुत ही अच्छी करेंसी है। इथेरियम आपका, बिटकॉइन के बाद इथेरियम आता है, ये भी बहुत अच्छी करेंसी है। ये एक स्मार्ट चेन के ऊपर आधारित है और इस पर आप कोई भी नया स्मार्ट चेन शुरुआत कर सकते हैं। आपका रिपल हो गया, रिपल आपका ये मनी पेमेंट के रूप में यूज की जा रही है, बहुत बड़े बड़े बैंक इसको यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ कैसी है? यदि हम क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ के बारे में बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी फायदे का सौदा होता है। आज मार्केट में लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं और इन सभी कॉइन की कीमत लॉन्चिंग के समय ना के बराबर थी। हालांकि कुछ ही सालों में इनकी कीमत $1000 तक भी पहुंच गई। अब आप बिटकॉइन को भी ले लीजिए, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब दुनिया भर में रोजाना $1 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती थी, लेकिन आज के समय में बिटकॉइन एक हफ्ते में $1 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन होती है। जबकि पूरी दुनिया की फिजिकल करेंसी की हफ्ते भर की ट्रांजेक्शन $70 ट्रिलियन की ही हो जाती है। डॉलर की कीमत से शुरू हुआ बिटकॉइन आज $1200 की कीमत तक पहुंच चुका है। अतः आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के भविष्य में क्या होता है। एक्चुअली $1200 नहीं, ये आपका जो है $42,000 तक पहुँच चुका है। यहाँ पे बाई मिसप्रिंट लिखा जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी से क्या क्या लाभ है? हमें पता है किसी भी वस्तु के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के लाभ के बारे में बताते हैं। फिर भी आमतौर पर हम यह कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के लाभ अधिक हैं और घाटे कम हैं। पहला, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है। दूसरा, अधिक पैसा होने पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना फायदेमंद है क्योंकि इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। लिहाजा निवेश के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तीसरा, अधिकतर क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन सरल हो चुका है। चौथा आपका यह है, क्रिप्टो करेंसी का कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं होता, यह डिसेंट्रलाइज होती है जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसा खतरा किसी के सामने नहीं होता है। कई देश ऐसे हैं जहाँ कैपिटल कंट्रोल नहीं होता, मतलब कि यह बात तय ही नहीं है कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है और कितना मंगवाया जा सकता है। लिहाजा क्रिप्टो करेंसी खरीद कर उससे देश के बाहर आसानी से भेजी जा सकती है और फिर उसे पैसे में रूपांतरित किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है जो अपना धन छिपा कर रखना चाहते हैं, इसलिए क्रिप्टो करेंसी पैसे छिपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सुरक्षित है, बस आपको उसके लिए ऑथेंटिकेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी करेंसी ब्लॉकचेन पे आधारित होती है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। लिहाजा किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान भी हैं। पहला, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि इसका मुद्रण नहीं किया जाता, इसका जो है फिजिकल प्रिंटिंग नहीं की जाती है, मतलब कि ना तो इस करेंसी को नोट छापे जा सकते हैं और ना ही कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी की जाती है। दूसरा, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं होती है, इससे इसकी कीमत में कभी बहुत अधिक उछाल होता है, कभी जो है बहुत अधिक नीचे गिरावट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना जोखिम भरा सौदा है। तीसरा, इसका उपयोग गलत कामों के लिए जैसे हथियार की खरीद, प्रोडक्ट, ड्रग सप्लाई, कालाबाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल दो लोगों के बीच ही किया जाता है, लिहाजा यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। चौथा, इसमें इसको हैक करने का भी खतरा बना होता रहता है। यह बात कि अगर ब्लॉकचेन को हैक करना उतना आसान नहीं है, लेकिन यह बात है कि ब्लॉकचेन को उतना आसान नहीं होता हैक करना। इसमें सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं, बावजूद इसके इस करेंसी का कोई मालिक न होने के कारण हैकिंग होने से मना भी नहीं किया जा सकता। पांचवा, इसका एक और नुकसान यह है कि यदि कोई ट्रांजेक्शन आप गलती से हो गया तो आप उसे वापस नहीं मंगा सकते हैं, जिससे आपको घाटा हो सकता है। तो ये आपके क्रिप्टो करेंसी के नुकसान थे। आपको बता दें कि
इस समय एक बहुत ही अच्छी करेंसी पॉपुलर हो रही है जिसको बोलते हैं पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क और टाइम स्टाम्प, ये दो क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसे आप मोबाइल अपने केवल ऐप इंस्टॉल करके आप इसे कमा सकते हैं, और फ्यूचर में जब आप इसे सेल करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप पाई नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन जाइएगा और देखिएगा किस तरीके से पाई नेटवर्क में हम लोग साइनअप करते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे बिल्कुल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को दबाना बिल्कुल मत।